इंदरगढ़ के कपड़ा और जनरल स्टोर की मार्केट में लगी आग। 5 से 6 दुकानें जलने से लाखों का नुकसान होने का अंदेशा। मार्केट में ये 400 दुकानें होती हैं संचालित। किसी भी दुकान में फायर सिस्टम नहीं लगा था। पार्किंग के लिए बनाए गए दलघर में नियम विरुद्ध तरीके से हो रही है दुकानें संचालित। समय रहते आग पर काबू पाया, वरना हो सकता था भीषण अग्निकांड। दतिया जिले के इंदरगढ़ नगर परिषद के पास स्टैंड बस स्टैंड शीतला माता मंदिर के पास बनी निजी मार्केट में रात के समय आग लग गई। आग से कपड़े और जनरल स्टोर की 5 दुकानें जल गई। आग से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया, किंतु मार्केट के तलघर स्थित दुकानों तक फायर ब्रिगेड की दमकल कर्मचारी पहुंच नहीं पा रहे थे। इस कारण आग बुझाने का कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा था। आग बढ़ते देख मौके पर मौजूद SDM ने जिले से कुछ और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की, जिससे आग फैलने पर शीघ्र काबू पाया जा सके। संवाददाता शिव रमन सिंह राठौर ने आग लगाने की घटना का जो कारण बताया है, उसे जानकारी निकल कर आ रही है कि इस निजी मार्केट में करीब 300 दुकानें संचालित की जा रही हैं। खासकर तलघर में भी 100 के आसपास दुकानें संचालित हो रही हैं। आग भी तलघर स्थित किसी दुकान में सबसे पहले आग लगते ही मार्केट से धुआं दिखाई दिया, जिसे देख दुकानदारों ने शोर मचाया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 5 दुकानें जल चुकी थीं। आपको बता दें कि SDM और पुलिस निरीक्षक ने नगर पालिका के कर्मचारियों और दुकानदारों की मदद से समय रहते आसपास की दुकानों को खाली करा लिया था, जिससे आग अगल बगल की दुकानों में ना फैले। खास बात यह कि इतनी बड़ी संख्या में दुकान संचालित करने वाली मार्केट में फायर सिस्टम नहीं लगा था, जो कि प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। फिलहाल प्रशासन आग से हुए दुकानदारों के नुकसान का आंकलन करने में जुटा है। आग लगी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगी हो मार्केट में? रात में मार्केट में आग लगने की सूचना प्राप्त होती है दतिया से, सेवड़ा से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इंदरगढ़ से फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है और सामने SDRF की टीम भी आ गई है, तो कार्रवाई चाहिए। अभी आपको पता कितनी दुकानें हैं छतरी में उठी, इसके बारे में कुछ जानकारी? एक आरोप लग रहा है मैडम, नगर परिषद इंदरगढ़ में जो 2 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, जनता ऐसा आरोप लगा रही है। जानकारी अनुसार 2 उपलब्ध हैं फायर ब्रिगेड, मगर काम एक ही कर पा रही है। इसकी जांच की जाएगी। सुनने में ऐसा कि हर 1-2 महीने उसमें रिपेयरिंग का चार्ज डाला जाता है नगर पालिका में, पर आज तक कभी काम नहीं किया उस फायर ब्रिगेड का। मुझे लगता है कि तैयारी है नहीं नगर पालिका की, जो हमेशा रहने की है। मैं अधिकारियों से भी, सीनियर अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ, बताया गया कि दतिया और सेवड़ा से भी फायर ब्रिगेड आ रही है, जल्दी आ जाए, मैं और अभी बात करता हूँ। अनुमानित कितना नुकसान बताया जा रहा है? ये अभी मेरी चर्चा हुई है, नीचे के पंक्ति जो दुकान है उनमें तो सब में लगभग पूरा नुकसान है, 1-2 दुकानों का ही सामान निकल पाया है, बाकी पूरा इंडस्ट्री। ठीक है।